नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। मैं राशिद अली। वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद में 52 साल में पहली बार ऐसा हुआ जब उसमें चुनाव की नौबत पड़ी। और ये आप भी जानते हैं कि आखिर चुनाव की नौबत क्यों पड़ी, क्योंकि पहले जो इसमें चुनाव होते थे वो होते थे कहीं ना कहीं सहमति को लेकर, लेकिन उसके बाद चुनाव हुआ और उसके बाद जो कोक जी नए अध्यक्ष चुने गए। जी हाँ, नए कार्यकारी अध्यक्ष विष्णु हरि सदाशिव कोक जी, जी हाँ, ये अध्यक्ष चुने गए। और कहीं ना कहीं जो एक नेता हुआ करते थे प्रवीण तोगड़िया, उन्हें इस पद से हटा दिया। और अब उसके बाद एक और बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा दें, जिसमें राम मंदिर का मुद्दा जो कि कई दशकों से चला रहा है उसको लेकर एक बार फिर हुंकार भरी हुई है। जी हाँ, उसको लेकर एक बार फिर हुंकार भरी और फिर आवाजें बुलंद हुई हैं, फिर नए ऐलान किए गए हैं। क्या सवाल ये कि क्या ये मुद्दा जल्द अब निमट जाएगा? जी हाँ, आपको बता दें, विश्व हिंदू परिषद के नव निर्वाचित अध्यक्ष विष्णु सदाशिव कोक जी आज अयोध्या पहुंचे हैं। अयोध्या में उन्होंने हनुमान गढ़ी का दर्शन किया। इस मौके पर उनके साथ उपाध्यक्ष चंपत राय समेत विश्व हिंदू परिषद के दर्जनों कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। हनुमान गढ़ी के बाद कोक जी राम जन्मभूमि में रामलला का भी उन्होंने दर्शन किया। अध्यक्ष बनने के बाद कोक जी पहली बार अयोध्या पहुंचे हैं। अपने अयोध्या दौरे पर वो साधु संतों से भी मिले और राम मंदिर निर्माण को लेकर कई अहम बैठकें हुई। कोक जी कार सेवकपुरम में राम मंदिर निर्माण की तैयारियों का भी उन्होंने जायजा लिया। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन उसके बाद जो ऐलान हुआ है वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। क्या ऐलान हुआ है खबर में आपको बता दूं। अयोध्या दौरे से पहले बोले वीएचपी के प्रमुख कोक जी, राम मंदिर बनके रहेगा। क्या राम मंदिर बनके रहेगा? क्या आप इससे सहमत हैं या नहीं? आप इस मामले में क्या राय रखते हैं, ये नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और इस खबर में और वहां जाकर उन्होंने क्या बयान दिया है ये मैं आपको जरूर बताऊंगा। उससे पहले आप देखिए कि आखिर वीएचपी में क्या घमासान चल रहा था, क्या मतभेद चल रहे थे, देखिए खास रिपोर्ट में और उसके बाद लौट कर आइए। प्रवीण तोगड़िया ने आरोप लगाया था कि मेरा एनकाउंटर करने की साजिश की गई है। जब मुझे ये पता चला तो मेरे पास जो जेड सिक्योरिटी है मैं उसे बताकर एयरपोर्ट के लिए निकल गया। मैंने शॉल ओढ़ी हुई थी ताकि कोई मुझे पहचान ना पाए। मुझे अस्पताल कौन लाया है मैं नहीं जानता। मैं हिंदू एकता के लिए जो कोशिशें कर रहा हूँ उसे दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि मैं हिंदू एकता के लिए प्रयास करता रहा कई सालों से, जो हिंदुओं की आवाज़ थी कि राम मंदिर, गोहत्या बंदी का कानून बनाओ, कश्मीर हिंदुओं को बसाओ, ये आवाज़ मैं हिंदुओं की ओर से उठाता रहा और इस आवाज़ को दबाने की कोशिश होती रही। मैंने देश के जो 10,000 डॉक्टर तैयार किए, सेंट्रल आईबी ने इन लोगों को डराना शुरू कर दिया। मैंने केंद्र सरकार को खत लिखा, आवाज़ दबाने के लिए कोशिश की जा रही है। 20-20 साल पुराने केस निकाले जा रहे हैं। कल मकर संक्रांति के दिन राजस्थान की पुलिस का काफिला मेरे खिलाफ गैर जमानती वारंट लेकर आया था। ये रिपोर्ट तब की है जब उन्होंने ये बयान दिए थे। यह हिंदुओं को मेरी आवाज़ दबाने के कदम का एक हिस्सा है। मैं हिंदू संगठनों के लिए काम करता रहा। RSS के भैया जी जोशी के साथ मकर संक्रांति के मौके पर दिन सभा करके रात 1 बजे जो लौटे उस दौरान उन्होंने ये बताया। सुबह मैं पूजा पाठ कर रहा था तब एक शख्स मेरे कमरे में घुस आया और कहा कि तुरंत कार्यालय छोड़ दीजिए, आपका एनकाउंटर करने वाले हैं। यह आदमी मुझे बताकर गया था। मैंने इस पर यकीन नहीं किया, लेकिन मेरे पास जो फ़ोन आया उसे मुझे शक हुआ। मैंने वकीलों और अपनों से बात की तो उन्होंने कहा कि कोर्ट में सरेंडर कीजिए। मैंने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। मैंने बाहर देखा तो 2 पुलिस वाले थे। मैंने सोचा कि अगर कुछ तब तक बुरा हुआ होता तो देश में भी माहौल बिगड़ेगा। मैं बाहर निकला और ऑटो रिक्शा में कार्यकर्ताओं को बैठा कर निकल पड़ा तो वहीं राजस्थान के गृह मंत्री को फ़ोन किया। उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं थी। मैंने अपने सारे फ़ोन स्विच ऑफ भी कर दिए थे, लेकिन इस बात जब उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं अब कुछ खतरा होने वाला है या कहीं ना कहीं कुछ बड़ा होने वाला है, तब जाकर उन्हें शायद कुछ ऐसा हुआ कि प्रवीण तोगड़िया खुद समझ नहीं पाए और वो एक जगह स्थान पर बेहोशी की हालत में मिले। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने यह सब बातें बताई कि जो उनके साथ मकर संक्रांति के मौके पर हुआ और किस तरह उन्होंने संघ और बीजेपी पर आरोप लगाए।
तो देखा आपने कि किस तरह से मतलब वहां घमासान मचा हुआ था, वीएचपी के अंदर चुनाव नहीं करने पड़ते थे, जो कि नौबत आई। और अब मैं आपको लेके चलता हूं मुख्य खबर की ओर। अयोध्या पहुंचने से पहले वीएचपी के नए अध्यक्ष जो कि वी के कोकजे ने कहा था कि कहा है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण जल्द होगा, हमें पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में आएगा, राम मंदिर की राह में आने वाली ज्यादातर बाधाओं को दूर कर दिया गया है। जी हां, ऐसा उन्होंने कहा है। कुछ लोग जरूर अपने हितों के लिए बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। आखिर ये कुछ लोग हैं कौन और ये किसकी ओर इशारा कर रहे हैं कि कुछ लोग बाधा डालने की जरूर कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनकी बाधाएं सफल नहीं होंगी, तो ये किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? क्या ये दूसरे पक्ष की ओर से इशारा है? क्या इनका इशारा दूसरे पक्ष की ओर है? क्या इनका निशाना दूसरे पक्ष की ओर साध रहे हैं? आपको बता दूं, वीएचपी और अयोध्या का नाता काफी गहरा रहा है। अयोध्या राम मंदिर आंदोलन में वीएचपी के जिन अहम किरदारों को जानती थी उनमें एक अशोक सिंघल दुनिया में रहे नहीं है और दूसरे प्रवीण तोगड़िया वीएचपी को रास नहीं आए। यानी कि दो नेता जिन अहम किरदारों को जो कि आंदोलन में खास पहचान मिली, उनमें से एक अशोक सिंघल जो दुनिया में है नहीं और दूसरे प्रवीण तोगड़िया जिससे वीएचपी अब उन्हें रास नहीं आ रही। हाल ही में अध्यक्ष बने सदाशिव कोकजे राम मंदिर आंदोलन के भावी किरदारों से एक चेहरा जो कि माने जा रहे हैं। 54 साल बाद वीएचपी में अध्यक्ष पद के लिए पहली बार चुनाव हुआ, इसमें वीएचपी की कमान तोगड़िया के हाथों से खिसक कर हिमाचल प्रदेश के पूर्व गवर्नर कोकजे के हाथों में आ गई है। वे अध्यक्ष बनने के बाद रामलला की शरण में पहुंचे हैं और राम मंदिर हनुमानगढ़ी या फिर साधु संतों से जगह वो दस्तक दे रहे हैं। जी हां, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि अब राम मंदिर के लिए कवायद तेज हो गई है और उन्होंने बयान से कहा है कि वहां जाने से पहले उन्होंने कहा है कि आखिर राम मंदिर जल्द बन के रहेगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आएगा, ऐसा उनका कहना है। हालांकि कोर्ट पे कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए क्योंकि कोर्ट भी जो भी फैसला करेगी वो सभी के लिए सर्वमान्य होगा और उसी का पालन करना होगा, लेकिन उससे पहले कुछ कहना शायद लाजमी नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये मामला जो कि कई दशकों से आ रहा और इससे लोगों की समुदाय जो भी से लोग जुड़े हैं, समुदाय से जुड़े हैं, उनकी आस्था भी जुड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा था कि अगर इस मामले को लेकर कोर्ट से बाहर फैसला हो जाए तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि भाईचारे से इसका फैसला हो तो ज़्यादा सही है, क्योंकि अगर जो भी फैसला होगा तो उसके बाद कहीं ना कहीं दूसरा समुदाय जिसके पक्ष में फैसला नहीं आएगा वो इसमें रोड़े अटका सकता है। तो इसी को लेकर कि आखिर इतने लंबे और इसका एक एंगल और भी है कि कहीं ना कहीं चुनाव से पहले इस मुद्दे को गरमाया जा सकता है। जी हाँ, अभी हाल ही में वक्फ बोर्ड में भी इसको लेकर बहुत ही घमासान मचा क्योंकि उसके जो पदाधिकारी थे वो इस कोर्ट के बाहर इस मसले का हल करने में सहमत थे और कैसे सलमान नाम है उनका और कैसे उनको बाहर कर दिया गया और फिर भी वो अपनी बात पर डिग रहे और उसके बाद उन्होंने खैर इस मामले को छोड़ ही दिया। लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव से पहले ये जो मामला चुनाव आ रहे हैं और उससे पहले इस मामले की सुगबुगाहट ये तेज तो नहीं कह रही, चीख चीख कर तो नहीं कह रही कि क्या कुछ अभी होने वाला है। जी हाँ, क्या ये मामला अब और तूल पकड़ने वाला है? क्या ये मामला कोई नया विवाद छिड़ने वाला है? लेकिन ये मामला जो भी हो, फैसला कोर्ट पे छोड़ दें और आप सतर्क रहें, बातों पर ध्यान ना दें, विवादों पर ध्यान ना दें और खास करके अफवाहों पर ध्यान ना दें। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।